दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोज़ बुध यानी वेनेसडे बतारीख 27 अक्टूबर को धरना चौक पर एहतजाज किया गया ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से। यह एहतजाज की वजह बताई गई कि उन्हें 5 लाख रुपए दिया जाए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ताकि उन्हें ऑटो का फाइनेंस भरने में आसानी हो। वाज़ रहे नाजरीन, हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले COVID-19 वबा की वजह से ऑटो का कारोबार बंद हो गया था। फलकनुमा ब्रिज बंद रहने से उन्हें लंबे सफ़र तय करना पड़ रहा था और अब ट्रैफिक पुलिस के चालानात का बोझ उनके जेबों पर पड़ रहा है। रोज़ाना ऑटो ड्राइवर्स करीब 300 या 500 रुपये कमाते हैं और उन पर 1000 रुपये का चालान आयत कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर्स मजबूर होकर एहतजाज के धरना चौक पर 1000 रुपये के चालान के खिलाफ और तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश किए 5 लाख रुपये की मदद की जाए ऑटो का फाइनेंस भरने में। देखिए इसके कुछ झलकियाँ। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज़। धरना चौक पे आवाज़ के तरफ से माइनॉरिटीज़ बंधु जैसे दलित बंधु को जैसे स्कीम दिया गया है, माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन से मुसलमानों को 5 लाख रुपए देने का डिमांड लगा है। जैसे KCR साहब बोले सुनहरी तेलंगाना, अरे यहाँ कहाँ का सुनहरी तेलंगाना है, यहाँ पे तो सुनहरी तेलंगाना नहीं है, लोहे का तेलंगाना बन गया। अरे गरीब ऑटो फाइनेंसरों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है कि हज़ारों फाइनेंसर ऑटो वालों के ऊपर जुल्म करके उनके घर बीव बच्चों के ऊपर पत्थर रख के ऑटो खींच के लेके चले जा रहे हैं। अरे जैसे दलितों को दलित बंधु दिया उस तरीके से दलित बंधु स्कीम को बोलते हैं भाई माइनॉरिटी स्कीम को भी दलित बंधु में शामिल करो बल्कि हम तेलंगाना से डिमांड कर रहे हैं। अरे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के से भी 5 लाख रुपए देने का डिमांड कर रहे हैं हम गवर्नमेंट से। इससे पहले भी हज हाउस पे धरना लगाया गया है। अरे मुसलमानों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से भी लोन दिया जाए, दलित बंधु को जैसा माइनॉरिटी बंधु स्कीम में लागू करने का भी डिमांड कर रहे हैं। अरे एक ऑटो वाला जब घर से निकलता है तो सुबह में 10 रुपए नहीं कमाता, उसके ऊपर 1000 का चालान डालते। ये जब से आया है ये तेलंगाना गवर्नमेंट ट्रैफिक चालान बन गई है। अरे आम शहरियों का और गरीब ऑटो चलाने वालों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि 10 रुपए नहीं कमा रहे हैं, उनको 1000 रुपए चालान कर रहे हैं। और हुकूमत से मैं डिमांड कर रहे हैं कि ये चालान भी ऑटो वालों के ऊपर ये जुल्म बंद करना और ये फाइनेंसरों के ऊपर भी जो फाइनेंसर जो गरीब ऑटो वालों के ऊपर जुल्म करके ऑटो खींच के लेके जा रहे हैं उनके खानदान बेघर है। अरे अगर एक ऑटो वाले को अगर 5 लाख रुपए देते तो उसके बच्चों का मुस्तकबिल संवरता और उनका घर संवरता, उन्हें नए ऑटो खरीद सकते। अरे क्यों नहीं दे रहे भाई, आप करोड़ों रुपए मच्छेरों को दे रहे हैं, आप बकरों को पालने दे रहे हैं, हर आदमी को दे रहे हैं, तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए गरीब ऑटो वालों को भी दो, हम उन लोगों को डबल बेडरूम दो। अरे उनके किराया नहीं होने से उनके घर सामान रोडों के ऊपर निकाल दिया जा रहा है। गरीब ऑटो वालों का कई ऐसे है अपने किराया नहीं भरने की वजह से घरों से उनको मकानदार बाहर निकाल दे रहे। अरे ये सुनहरी तेलंगाना है तो कैसा ये सुनहरी तेलंगाना, इन गरीबों को भी संवारने का नाम ही सुनहरी तेलंगाना है। हम KCR साहब से महमूद अली साहब से भी डिमांड कर रहे कि ये माइनॉरिटी बंधु स्कीम लागू करो बल्कि हम तेलंगानाओं से डिमांड कर रहे। जय हिंद, खुदा हाफिज। ये आवाज़ के कमेटी की तरफ से ऑटो ड्राइवर्स के जो मसाइल जो 2 साल से जो पैंडमिक की वजह से इनके कारोबार नहीं चलने की वजह से इनके घरों में और उनके ऑटोज़ के जो फाइनेंस जो बनने में जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ को दूर करने के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तरफ से माइनॉरिटीज़ के ऑटो ड्राइवर्स के वास्ते ये जो स्कीम लागू करने के लिए हमारा डिमांड और हमारा गुजारिश ये गवर्नमेंट से है। और क्योंकि ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जितना भी फंड रिलीज़ करते हैं उसमें से 10% भी नहीं खर्चा करते हैं और गवर्नमेंट उल्टा अपने खाते में ले लेती है और माइनॉरिटीज़ का से कोई खर्चा नहीं करते हैं। लिहाजा इस मद्देनज़र रखते हुए ऐसे चीज़ों ऐसे जो मनी है जो पैसा जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में शामिल करते हैं वो पैसे ऐसे गरीबों को देने से कम इन लोगों की ज़िंदगियाँ तो खुशहाल होता बल्कि हमारा गुजारिश है। इसलिए गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं और गुजारिश करते हैं इमीडिएटली ये स्कीम को लागू किया जाए। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहारी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स,
चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन, बिरयानी हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे। यहाँ एसी डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।